नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आज माता की श्रृंगार करूँगी, तो उसके पहले मैं सबसे पहले गहनों की चूज़ कर लेती हूँ कि इस साड़ी में माँ को कौन सा गहना पहनाना है और कौन सा गहना माँ को सूट करेगी। तो इससे कभी कभार ऐड भी हो जाती है और कभी कभार इससे दूसरा गहना भी बाद में आपको ऐड करना पड़ता है, लेकिन आज पहले मैं इसको पहले चुन ली हूँ कि कौन सा गहना मुझे पहनाने से माँ और सुंदर लगेगी। तो आज मैं बनारसी साड़ी जो रेड वाली है ये पहनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बरसात में मैं भारी भरकम साड़ी नहीं पहनाती हूँ और ऐसी भी कैसे साड़ी सब ख़राब भी हो जाता है। तो आज सोची नहीं, बहुत दिन हो गया हल्का हल्का साड़ी पहनाते हुए, आज मैं ये बनारसी ही पहनाई थी मम्मी माँ को। तो मेरी माँ तो श्रृंगार करने में माहिर है, क्योंकि मैं कराने में भी माहिर हूँ। चलिए तो इससे आप लोग देखते रहिए कि माँ को कैसे सजाती हूँ। तो ये बंगाली साड़ी है, हम लोगों ने बंगाली साड़ी है, तो ये अलग थोड़ा सा पहनाया जाता है। तो आप देख ही रहे कैसे पहना रही हूँ मैं। तो ये रेड रेड जो साड़ी होती है ना, माँ को इतना सुंदर माँ के ऊपर मतलब जचता है कि दूसरा कलर भी माँ के ऊपर जचता है, लेकिन ये रेड जो साड़ी होती है ये तो अलग ही, इसका कहना अलग ही होता है। वो एक गाना है ना, लाल लाल चुंदरी लाल लाल साड़ी। तो माँ को ये पहनाने की कोशिश कर रही हूँ कि ताकि माँ को अच्छा लगे। अगर मैं पहनाने के बाद मेरा मन खुश तो तब लगता है कि हाँ माँ भी खुश होंगी, माँ भी खुश हो जाएगी, क्योंकि भक्तों के ऊपर ही माँ की सब रहता है, इच्छा अनिच्छा, और माँ की इच्छा के ऊपर भक्तों की इच्छा अनिच्छा भी जागृत होती है। मैं तो आज सोची थी कि आज घाघरा पहना दूँगी माँ को हल्का सा, तो लेकिन क्या हुआ, ढूंढते ढूंढते मुझे ये मिल गई, तो मैं माँ को ये पहना दी। अब आगे आप लोग बताइएगा कि कैसा हुआ है, माँ कैसा लग रही है। और इसके साथ मैंने ये गहने भी माँ को श्रृंगार के बाद, माँ को साड़ी पहनाने के बाद ये गहने भी माँ को पहना रही हूँ। और इसके साथ साथ ये होता है ना, मन का भाव जो होता है, ये परिपूर्णता अंदर से एक परिपूर्ण भाव जाग उठता है कि हाँ मैंने सजाई है। और जब सजाने के बाद ये जो होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, तब ये भी होता है कि हाँ मैंने सजाई है, लेकिन माँ मैं तो सजाने वाली कौन होती हूँ, माँ तो खुद अपना श्रृंगार करती है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। माँ ने जो मुझे चुना है ये कर्म करने के लिए, ये ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। और माँ को मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म में मैं ऐसे ही माँ की सेवा करती रहूँ। और ये जो भक्ति होता है, माँ की जो भक्ति, इसमें इससे बड़ा आनंद और किसी में नहीं मिलता है। सच, ये जो आनंद होता है ना, ये आनंद एकदम अलग सा फील होता है। अब अंदर से कभी नहीं लगता है कि खालीपन जो होता है ना, ये अधूरा सा नहीं लगता है, लगता है कि मैं पूर्ण हूँ। माँ की भक्ति जब तक नहीं होता है तब तक अपूर्णता ये भाव रहता ही है। तो आप जो भक्ति करते हैं आप समझ ही सकोगे। तो ये होगी मेरी माता की श्रृंगार संपूर्ण हो गई है, आप देख सकते हैं। अभी फूलों की माला बाकी है, मैं फूलों की माला बना ली थी। और अब देखिए ये रेड रेड जो गुड़हल फूल होती है उससे बेलपत्ता और सफ़ेद वाला जो छोटा छोटा फूल होता है, तीनों को मिक्स करके माता का श्रृंगार माला के लिए तैयार।